टीम को, टीम 19 जो है उसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना हूँ। टीम 19 ने खेला है बहुत अच्छा अपने ग्रुप स्टेज में, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि इनके सिर्फ जो है दो बॉयज खेल रहे हैं। पहला मैच भी दो बॉयज ने खेला, ये मैच भी दो बॉयज खेलना, ये थोड़ा सा इनकी टीम में पता नहीं क्या इशू आया कि सिर्फ दो बॉयज खेल रहे हैं, जिसकी वजह से टीम के तीन बंदे नॉक आउट है और एक ही बंदा है। वही लोग इतना क्लोज है टीम के और टीम 19 के बॉयज, और ये सबसे बहुत आ गई है। टीम 13 ने पूरा टीम 19 को डाउन कर दिया है। टीम 19 जिसका नाम था ATL, जिसमें थे वेस अली, जैद फयाज और चौधरी सही और आसिफ यूसुफ, ये सब इस मैच को छोड़ के जा चुके हैं। और टीम PUC के दो बॉयज ने अकेले पूरी टीम को खत्म कर दिया। और रैप्टर क्लैन पानी में आप बिल्कुल डायरेक्ट नॉक होते ही आप खत्म हो जाते हो, आपको कोई मौका नहीं मिलता रिवाइव होने का, डायरेक्ट किल होते हो। तो मेरे ख्याल से इन्होंने सही ऑप्शन चूज किया है कि पानी से ना जाए, टू वाटर नहीं जाए। और अब देखते हैं टीम चरिया भाई की क्या होती है स्ट्रेटेजी। और इसी तरह अभी जैफा को भी नॉक कर दिया है, दो बंदे रैप्टर क्लैन के नॉक हो गए हैं। और रैप्टर बीस की बहुत कम हेल्थ और चरिया भाई की बहुत कम हेल्थ हो गई है। और खत्म रैप्टर बीस भी खत्म। PU एक चरिया भाई नॉक हुए, बाकी के बहुत अच्छा मूव, बहुत अच्छी तरह उन्होंने स्क्वाड वाइप आउट किया है। मेरे ख्याल से उनको स्मोक ग्रेनेड यूज कर देना चाहिए, क्योंकि हो रहा है डिसएडवांटेज एलिमिनेटर्स में, क्योंकि एलिमिनेटर्स वो राउंड नहीं है जिसके अंदर आप रिस्क ले सकते हैं। और इन्होंने लिया है, सिर्फ दो बॉयज के साथ खेल रहे हैं, टीम 20 उनके सामने, टीम 5 उनके पीछे, और यहाँ पे टीम 19 हो गई है सैंडविच। लेट्स सी कि ये लोग जिंदा रहते हैं या नहीं, क्योंकि टीम 20 कर रही है गोलियों की बारिश, टीम 5 ने भी हाई ग्राउंड लिया हुआ है। PUC तक की एक अच्छी मूवमेंट नजर आ रही है, लेकिन तो नंबर 2v4 जो है वो थोड़ा सा मुश्किल, और टीम 5 ने भी कर दी है गोलियों की बारिश टीम 19 पे। और टीम 19 क्या करेगी स्ट्रगल, इनको चाहिए गाड़ी लेके जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये 6 बंदे मार पाएंगे, क्योंकि जितनी इनके पास सप्लाई है वो है तो पूरी, लेकिन टीम 20 के सामने से गुजर रहे हैं ये लोग। और PUC तहा चल बसे, और मुझे आइडिया था कि ये स्ट्रेटेजी बेकार रहेगी, क्योंकि दो बंदे ने PUC तहा को डाउन कर दिया। चरिया भाई जो है वो जिंदा है और चरिया भाई को भी पड़ रही है गोलियां, वो रिस्क लेके काम कर सकते थे। और इसी के साथ PUC के जो दो बंदे थे वो हो गए हालात।